आज इसमें हम बनाना सीख रहे हैं ऑटोकैड में कि एक सिंपल सा प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, और प्लॉट ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर से उसके रूम्स वगैरह को हम किस तरह से इसमें से ड्रॉ करते हैं और उसको अलग कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कुछ मेजरमेंट्स लिख लेते हैं जो प्लॉट हमें बनाना है। सपोज टू बी जो हमें प्लॉट क्रिएट करना है उसकी जो विड्थ और हाइट को हम इसमें लिख लेते हैं कि अगर उसकी विड्थ और है अगर सपोज टू बी 30 feet और उसकी जो लेंथ है ENGTH लेंथ उसकी अगर हम रख लेते हैं 50 feet, तो ये टोटल जो इसका एरिया निकलेगा स्क्वायर फीट के अंदर वो निकलेगा 30 × 50 यानी के इक्वल टू 1500 square feet SQFT। ठीक है, तो इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे, मैं ये करने वाला हूँ इसके ऊपर कि देखें जो विड्थ है इसकी, यानी कि विड्थ से मतलब ये होता है कि थोड़ा सा समझ ले कि अगर आपका प्लॉट इस तरह से है, ये मैंने स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, ये देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, तो यू समझे कि ये आपके प्लॉट का फ्रंट है। ठीक है, ये क्या है फ्रंट, यानी कि यहाँ पे आपका मेन गेट लगेगा। अब आप अपने प्लॉट को ऐसे ज़ूम करेंगे कि आप इसको खड़े होके इस तरह से देख रहे हैं, यानी कि ये आप खड़े हुए इसके आगे और आपका जो विजन है इसको देखने का वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो आप इस तरह देख रहे हैं, ये आपका मेन गेट वगैरह का हिस्सा है, ये इसका बैक साइड है, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है, इसको आप लिख भी लें, लेफ्ट साइड के लिए एल लिख दें, राइट साइड के लिए आर लिख दें, और यहाँ पर बैक साइड के लिए बी लिख दें। ठीक है, और ये लिख दिया आपने इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये तो इस तरह ड्रॉ करना है आपने। अच्छा, इस तरह क्यों ड्रॉ करें, ऐसे भी तो कर सकते थे, देखिए इसके लिए हमारी लैंडस्केप है इसलिए इस तरह से ही आपने अज्यूम करना है इसको। अब आइए इसको इस पर पूरी परफेक्टली किस तरह से ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कमांड लेनी यूनिट्स, और यूनिट्स कमांड लेने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे आर्किटेक्चरल मोड या इंजीनियरिंग मोड जो भी रखना है 0 feet 0 inch पे रख के, इंचेस बेसिक यूनिट पे रख के ओके करना है। लिमिट्स कमांड लेके सबसे पहले आपने पैरेलल लेफ्ट कॉर्नर 0 0 बताना, 0 0, और राइट कॉर्नर में आपने पहले क्या बताना होता है एक्स। तो एक्स इस टाइम आपके पास जो होगा अगर आप ड्रॉइंग की मदद से देखें तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, यानी कि एक्स हमारी हो जाएगी लेंथ। तो मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगी और वाई इज इक्वल टू हमारी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने इनकी वैल्यू भी इसी तरह से पास करनी है। एक्स को क्या पास करना है 50 feet, तो यहाँ पर आके आपने एक्स की वैल्यू जो है पास की 50 और सिंगल कॉट कॉमा, उसके बाद वाई की वैल्यू क्या पास करनी है 30 feet 30 और कॉमा देन एंटर। इसके बाद जूम कमांड लिख के एंटर किया और ए का बटन दबाया, ऑल करके आपकी स्क्रीन पर रीजनरेट हो गया ग्राफ। अब आपने यूज करनी है रेक्टेंगल कमांड, यहां से रेक्टेंगल कमांड ली और वही 0 0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो इसका ये है, ये वाला आपने 0 0, और राइट कॉर्नर पे वही एक्स की वैल्यू याद रखें 50 और वाई की वैल्यू क्या रखनी है 30 feet। तो एक्स की वैल्यू में आपने लिखा 50 सिंगल कॉट कॉमा, वाई की वैल्यू में लिखा 30 और सिंगल कॉट और एंटर। तो ये देख लीजिए आपका परफेक्टली 30 by 50 स्क्वायर फीट का जो है एक प्लॉट का एरिया आपने जनरेट कर लिया, यानी कि यू अज्यूम करेंगे ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया, आप इसकी मेजरमेंट ले लें, डायमेंशंस ले लें, लीनियर्स पे ले आगे आप यहां क्लिक करें, बल्कि यहां बैक साइड पे ले लेंगे, यहां फ्री एरिया है इसको बंद कर लेता हूं, और यहां से इसको लिया क्लिक करके। ठीक है, और थोड़ा जूम आउट करके यहां से मैं डायमेंशन पे जाके लीनियर्स पे जाके और यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लेता हूँ एक लीनियर और ये आगे यहाँ पे। तो मैंने सिखाया था कि इस पे क्लिक करके और उस पर डबल क्लिक करके, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ टेक्स्ट हाइट ओपन हो जाएगा, इसमें आपने 6 inch का ले लें और यहाँ पे क्लिक कर लें, ये यहाँ पे एरिया वैल्यूज निकल आई है। और अगर डेसिमल को ऑफ करना हो तो लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा था डेसिमल वैल्यूज को प्राइमरी यूनिट्स पे जाके 0 feet और 0 0 inches पे सेट करके इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब आप चेक कर लें कितना है 360। ठीक है ना, ये इंचेस में बता रहा है और यहां पे आ रहा है 600 ये आ रहा है 360 ये आ रहा है। ओके, चेक करते चले कैलकुलेटर खोलते हैं इसके अंदर और देखिए 30 × 30 × 12 360, क्योंकि 12 इंच का एक फीट होता है, हमारे पास यहाँ पे 30 फीट से 360 आ गया। इसी तरीके से 50 × 12 600 एग्जैक्ट हमारे पास आ गया और ये हमारा बन गया। ठीक है, अब ये जो प्लॉट हमने जनरेट किया है जूम और ए, तो अब आपने इसे स्केच करना है। स्केच ये करना है कि रूम निकालने हैं, इसका गेट निकालना है, लाउंज निकालना है, ये सारे काम आपने इसके ऊपर करना है। तो अगर आप इसके अंदर बीच से
अच्छा, इसमें एक तो ऑप्शन आपने ये करना है कि इसकी बाउंड्री वॉल को भी आपने ऑफसेट लेना है। ऑफसेट क्यों करना है? देखिए भाई, अगर आप इसके अंदर जब स्केच करते हैं, एक तो लाइन स्केच होता है और साथ साथ स्पेसिंग भी छोड़नी होती है। अगर आप यहाँ पे 6 इंच की एक यानी ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 6 इंच की ब्रिक जब बीच में आएगी तो यहाँ पे 6 इंच का स्पेस यहाँ पे भी रिजर्व होगा, यहाँ पर भी रिजर्व होगा, यहाँ पर भी रिजर्व होगा। और 6 इंच के आगे अगर आप 2 इंच का प्लास्टर यानी जो सीमेंट का जो प्लास्टर होता है वो भी आप इसके अंदर कर रहे हैं, अक्सर होता यह है कि जो साइड वाली दीवारें होती हैं यहाँ पे 2 ईंट के साथ भी बनाई जाती है, सिंगल ईंट के साथ भी बनाई जाती है। हमारे पास जो ब्रिक आती है वो 2 किस्म की होती है। ब्रिक जो आती है, एक है 6 इंच की ब्रिक, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 6 इंच होती है, और एक आती है हमारे पास ब्रिक 4 इंच की। अगर कुछ लोग 4 इंच की 2 ब्रिक को इस तरह से रखते हैं तो वो बन जाता है इक्वल टू 8 इंच, और कुछ लोग 6 इंच की ब्रिक को ही रख के बना लेते हैं। अब अज्यूम ये करना होता है कि जो प्लास्टर होता है यानी कि प्लास्टर जिसको हम सीमेंटेड प्लास्टर कहते हैं, उसको हम अज्यूम करते हैं कि वो 2 इंच का होता है, यानी कि जो सीमेंट लेपाई करते हैं उसके ऊपर उसमें 2 इंच का होता है। तो आप चाहे ये कैलकुलेशन रखें चाहे ये कैलकुलेशन रखें, इसमें 2 इंच का प्लस भी ऐड करना होता है। तो अगर आप ये रख रहे हैं तो +2 हो जाएगा, और ये रख रहे हैं तो भी +2 हो जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि ये वाली 2 इंच रखी गई है या ये वाली 6 इंच की, आजकल मॉडर्न फैशन है तो 6 और 2 इंच का ही कर लेते हैं, 8 इंच का हमें यहाँ पे ऑफसेट लेना होगा। तो यहाँ से आपने ऑफसेट कमांड लेनी है और यहाँ से 8 इंच की वैल्यू को पुट अप करना है। 8 इंच के साथ डबल कोटेशन लगा रहा हूँ, एंटर, और जैसे ही आप इन वैल्यूज को क्लिक करके अंदर लेंगे तो ये 8 इंच का 4 बाउंड्रीज के ऊपर आपकी बाउंड्री क्रिएट हो गई, मतलब ईट रखने के बाद, और उसके क्लस्टर भी आ गया और ये आपका जो है ये बनती इसकी बाउंड्री। इसके बाद आपने इसको सेंटर पॉइंट में डिवाइड करना है। अब सेंटर पॉइंट में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है कि बीच से 2 कमरे निकालने हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि भाई बीच से 2 कमरे नहीं निकालने, एक कमरा छोटा रखना है, एक बड़ा रखना है, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोग कमरे को इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली कमरों का हमारे यहाँ पे जो डायमेंशन है वो ये होती है कि स्ट्रेट घुसे घर के अंदर और सामने 2 कमरे होंगे, फिर वरांडा होगा, यानी कि उसके बाद लाउंज होगा वरांडा के लिए, लाउंज के लिए, और उसके बाद फिर किचन, बाथरूम, और फिर उसके लास्ट में टॉयलेट होगा। इस तरह से कुछ मामला होते हैं, और साइड में स्टोर वगैरह के मामला होते हैं, और साइड से स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाएंगे जिसको हम कहते हैं सीढ़ियां ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। तो अभी मैं इसको 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड करता हूं, फिर एक दूसरे मैप के अंदर हम इसको दूसरे 3-4 तरीके से बना के देखेंगे। तो ये करने के लिए सबसे पहले मुझे पता ही होना चाहिए, लाइन कमांड लेनी है मुझे, और मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है मेरी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, तो एक्स मेरा अगर मैं यहां से करता हूं तो यहां से भी 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, और यहां से करता हूं तो भी करूंगा। तो यहाँ पे एक्स 0 है, और यहाँ पे जाके एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे मेरा जाके अगर फीट पे लिखूंगा तो 50, तो मैं यहां लिखूंगा एक्स की वैल्यू 50 फीट, ताकि ये पॉइंट मुझे यहां मिलेगा। और उसके बाद इंटर करना नहीं था, वाई की वैल्यू भी साथ साथ लिखनी थी, ठीक है। दोबारा एक्स कमांड को लॉन्च किया, 50 फीट कॉमा वाई की वैल्यू 50% पे लेनी है, तो 15 का यानी कि 30 का हाफ 15 फीट होता है, तो 15 सिंगल कोट एंटर। तो देखिए बिल्कुल लाइन कमांड यहां से एग्जीक्यूट हुई है बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, और यहां पे जाके मैंने ऑर्थो मोड को ऑन कर लिया। इसकी शॉर्टकट की एफएक्ट भी है, एफएक्ट से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब आपने डिसाइड करना है कमरे की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, यानी कि यहां से तो लेंथ लग रहा है, इस लाइन की लेंथ है, लेकिन कमरे की जो बेसिकली चौड़ाई कितनी होगी। अब यहाँ पे लेंथ आपने जो निकालनी है कमरे की, सपोज चुके आपको ये तो पता चल गया कि ये कमरा एक बनेगा 15 फीट का होगा विड्थ में। अब कितना चौड़ा हो, 15x15 के कमरे भी होते हैं, 15x14 के कमरे भी होते हैं, और 12x15 के कमरे भी होते हैं। चलिए 14 फीट इसमें से निकाल लेते, 15 बाय 15 का बनाते हैं, 15 फीट लिख के मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये देखिए लाइन कमांड एक्सिक्यूट एड हो गया, और यहाँ पे लाइन कमांड ने 15 फीट स्पेस यहाँ पे लिखी। अब सवाल ये बड़ा होता है कि आपको यहाँ पर भी दीवार को क्लोज करना है और यहाँ पे भी दीवार को क्लोज करना है, तो आप इधर भी चले जाए 15 फीट और एंटर कर दे, लाइन कमांड एंड कर दे, और यहां से क्लिक करके यहाँ पे भी 15 फीट आ जाए। तो ये देखिए ये भी दीवार आपने एक तरह से ड्रॉ कर ली, फिर इसके अंदर दरवाजा निकालना है, खिड़की निकालनी है, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो हम इसके अंदर करेंगे। अब ये वाली जो दीवार होती है बीच की जो सेंटर पॉइंट होती है, ये भी हमारी दीवार तकरीबन अगर 6 इंच की ही ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 6 इंच की ईंट का मतलब होता है कि इसमें प्लास्टर 2 साइड पर होगा, ये प्लास्टर 1 साइड होता है क्योंकि ये अंदर की तरफ प्लास्टर होगा, बाहर हो सकता है दूसरे की दीवार हो साइड में, तो इसका 2 साइड पर होगा प्लास्टर, तो 2 इंच का प्लास्टर इधर होगा और 2 इंच का प्लास्टर इस साइड होगा। अगर ईंट एक ही रखी जा रही है तो 6 2 8 और 8 और 2 10, अब ये स्पेस आप कैसे निकालेंगे, 10 यानी कि 5 इधर चाहिए और 5 इधर चाहिए, तो आप यहां पे लेंगे ऑफसेट कमांड और 5 इंच लिख के यहां से क्लिक करेंगे और यहां क्लिक कर देंगे और यहां क्लिक करके यहां क्लिक कर देंगे, ये निकल आया आपका सेंटर, यानी कि 10 इंच का एक कोई दीवार आपकी निकल आई इसके अंदर।
ठीक है। इसी तरह से अगर ये दीवार जो है इस पे भी दो इधर से और दो इधर का स्पेस आपका होगा, तो ऑफसेट कमांड यहां पर भी आपने ऐसे यूज करनी है, 6 इंच की बीच में रखी जाएगी, तो दो इधर ये हो गए 6, 2, 8, 10, तो 5 इंच की स्पेसिंग पूरी की पूरी आपने यहां लेनी है और 5 इंच की स्पेसिंग यहां देनी है। लाइक इसमें यही करना है और इसको भी इसी तरह से ये आपकी कंप्लीट दीवारों के मेजरमेंट्स निकल आए इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए साइड की दीवारें भी आपकी आ गई, बीच की दीवार भी आ गई और ये आगे की दीवारें भी आपने इसके अंदर ड्रॉ कर ली। अब आपके पास सिचुएशन ये आती है कि आपके पास डेक्स जो है वरांडा कितना आप इसके अंदर से निकालना चाह रहे हैं। अमूमन 12 फीट का वरांडा इसमें से निकल सकता है जो कि नॉर्मली होता है, तो उसको इससे ही बड़ा रखते हैं, लेकिन 12 फीट की काफी रहता है। अब 12 फीट का वरांडा आप निकालेंगे तो दोबारा एक्स की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट करें कि एक्स की वैल्यू में यहां पे अगर आप 12 फीट का निकालना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। अब इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि इस वाली लाइन से आप 12 फीट आगे ले आए, ठीक है, क्योंकि ये वो लाइन है जो आपकी यहां से यहां पे डिवाइड कर रही थी, तो आप यहां से 12 फीट आगे लेकर आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पर आप एक लाइन कमांड को एग्जीक्यूट करें इस पॉइंट से और सेंटर पॉइंट से नहीं करते, ठीक है, सेंटर पॉइंट से नहीं, यहां से कर लेते, यहां से एग्जीक्यूट करके आगे लाइए और 12 फीट के डिस्टेंस पे लाके एंटर कर दीजिए। इसके बाद इस वरांडे को ऐसे सीधे ले जाइए और यहां पर तकरीबन 30 फीट के ऊपर इसको एंड अप कर दीजिए, ठीक है। ये लाइन कमांड खत्म हो गई और यहां से इस लाइन को डिलीट कर दीजिए। अब ये 12 फीट का स्पेस है। अब वरांडे में ये होता है कि दीवार पूरी नहीं होती, लेकिन दीवार फिलहाल हमें पूरी बनानी पड़ेगी, बाद में उसके आर्क बनाने हैं या उसका मतलब दो दरवाजे बनाने हैं या एक ही बनाना है वो उसमें हम करते हैं इसलिए, लेकिन इसके अंदर दीवार खुद भी बनती है तो वही स्पेस आपका रहेगा। ऑफसेट के अंदर 5 इंच लेंगे और आप इसको यहाँ से दो हिस्सों में ही डिवाइड करके चले जाएंगे, बाद में इसकी कटिंग वगैरह ये सारी चीजें इसमें करनी है। अच्छा, इसी तरीके से अब किचन की जो स्पेसिंग है या तो वो इधर बनेगा या इधर बनेगा, बाथरूम टॉयलेट वगैरह इस तरह से यहाँ पे क्रिएट होते चले जाएंगे। अब इसी तरह से किचन का स्पेस क्या रखना है, अमूमन आप उसको रख सकते हैं 7x8 का, यानी कि 7 फिट ऐसे रख सकते हैं या 7 फिट या 8 फिट ऐसे रख सकते हैं और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 7-8 फिट ही इस तरह से रख सकते हैं। तो ये स्केल करने के बाद आप इसको से निकाल सकते हैं। तो अब इसको किस तरह से निकालें इसके अंदर से, अच्छा एक और तरीका बहुत अच्छा इसमें ये है कि आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका स्पेस कितना बचा, मतलब कैसे करेंगे बहुत आसान है। आपके पास टोटल लेंथ कितनी थी 50 में से आपका कमरा कितना गया था भाई 15 फिट का कमरा गया -15, उसके बाद आपने लाउंज के लिए कितना छोड़ा -12 और अब आपके पास कितना स्पेस बचा 23। तो यहां से भी अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप इसको सपोज टू बी आप टॉयलेट वगैरह इस साइड पे बनाते हैं, टॉयलेट फिर देन बाथरूम, दो चीजें इधर बना लें, किचन को आप इधर बना लें या टॉयलेट बाथरूम फिर किचन को इधर बना लें, ये आपके पास स्पेस है। अच्छा, फिर ड्राइंग रूम भी आपने इसके अंदर निकालना है तो ड्राइंग रूम आप इस साइड पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे भी एक पोर्शन निकल सकता है, 12x12 कमरा का एक ड्राइंग रूम भी यहाँ पे लिया जा सकता है जिसकी 12 फिट हो सकती है। तो अब हम इसके अंदर ये क्रिएट करते हैं, सपोज टू बी पहले ड्राइंग रूम निकाल लेते हैं, तो यहां से लाइन कमांड ले लेते हैं और लाइन कमांड लेने के बाद मैं यहां से ड्राइंग रूम को ले लेता हूं इस तरह से 14 फिट का और इस तरह से ले लेता हूं 12 फिट का, या इस तरह 12 लेता हूं इस तरह 14 लेता हूं, आई थिंक बेहतर रहेगा कि ऐसे 12 फिट ले लेता हूं और ऐसे भी 12 फिट ले लेता हूं। तो 12 फिट की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहां पर स्ट्रेट और यहां से मैं ले आया अंदर 12 फिट की इस साइड पे ले रही है लाइन, तो इस साइड पे 14 फिट ले लेता हूं मैं लाइन, और लेने के बाद यहां पे मैंने एक एंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद यहां पे वापस से 12 फिट की लाइन एक ड्रॉ करके एंटर कर दिया। That's all, ये आपका क्रिएट हो गया। इसमें सिर्फ आपको ये कहना है कि ये वाली दीवार तो आपको इसमें नहीं चाहिए, ये वाली दीवार आपको नहीं चाहिए, ये वाली दीवार आपको क्रिएट करनी होगी। तो इसका आपने ऑफसेट लेके वही 5 इंच के डिस्टेंस पे एक ऑफसेट क्रिएट किया और यहाँ से ये दीवार इधर क्रिएट करी और ये वाली दीवार को इधर क्रिएट किया, ये आपका निकल आया एक्जेक्टली 5, ठीक है। तो आपके लिए किचन का स्पेस ऑलरेडी यहाँ निकल ही आया, ओपन किचन अब आपका यहाँ क्रिएट हो सकता है और यहाँ पे बाथरूम वगैरह की गुंजाइश यहाँ पे निकल सकती है। तो यहाँ पर अगर आपने अब एक ओपन किचन सा बनाना है तो बहुत आसान है कि ओपन किचन बनाने के लिए जितना भी स्पेस है आप सारा का सारा रिजर्व कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि अगर ड्राइंग रूम का बाथरूम है तो वो यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इतनी डेप्थ नहीं जा रहे, इसके नॉर्मल से बना लेते हैं। तो किचन यहाँ पे बड़े आराम से निकल आएगा आपका, इस तरह निकलेगा। देखिए ये आपने कितना लिया है, इस तरह से 14 फीट लिया है, 14 फीट को अगर आप यहाँ पर 8 फीट का लेते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पे लाइन कमांड को एक दफा फिर एग्जीक्यूट करें और यहाँ सीधी लाइन कमांड को 8 फीट पे ले आए और ले जाके सीधा यहाँ पे इसके साथ इस लाइन के ऊपर तकरीबन जो भी स्पेस बच रहा है उसको यहाँ पे क्लिक कर दें। अच्छा, अब ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका ऑटो मोड ऑन है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना स्पेस बच रहा है फीट के अंदर, अगर आप इसको रखते हैं तो 10 फीट तकरीबन हमारे पास बच रहा है,
तो 10 फीट आपने यहाँ पर जैसे लिख के एंटर किया और एंटर कर दिया, तो ये आपके सामने एक बार किचन की जो है लाइन ड्रॉ हो गई। इस पे यहाँ पर हमने कम रखा है क्योंकि यहाँ से हम इसका ओपन रखेंगे, या हो सकता है पूरा ही ओपन रख लें, लेकिन समझाने के लिए कि भाई ये किचन का हिस्सा है। बात अगर ओपन किचन होते हैं हल्की सी यहाँ पे एक विंडो दे दी जाती है और ये पूरा ओपन होता है, तो ये किचन का स्पेस निकल आता है। अब यहाँ पर बाथरूम अगर आपने निकालने, तो अमूमन जो बाथरूम का है 6x4 का बाथरूम होता है, 4 फीट चौड़ा होता है, 6 फीट लंबा होता है, टॉयलेट और वगैरह इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको इस दीवार के सहारे हम बना लेते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कमांड और यहाँ क्लिक करके 6 फीट ऐसे कर लेते, 4 फीट ऐसे कर लेते, तो 6 फीट और ये आ गया हमारा 4 फीट, ठीक है। उसके बाद आपने इसको दोबारा से यहाँ से क्लोज कर देना है, तो 6 फीट और एंड कर दिया आपने कमांड को, ठीक है। और अब इसके बराबर में एक और लेना है, तो उसको भी लाइन कमांड को दोबारा से आपने एग्जीक्यूट कर दिया और यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से बता के, और यहां पर भी गए आप 6 फीट और यहां से आपने 4 फीट और यहां से लाके इसको दोबारा से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई क्योंकि वो आपने नीचे वाली लाइन से ले लिया उसने, तो यहां से हमने लाइन कमांड को एग्जीक्यूट किया, इस पॉइंट से आपने लिया 6 फीट और यहां पे गया 4 फीट, एंटर किया और यहां से लाके इसको आपने इसके अंदर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके बाथरूम और निकला, ये ड्राइंग रूम निकला, ये किचन हो गया। तो इस तरह से आपने एक कंप्लीट स्केच इसके अंदर बना लिया। अब ट्रिम कमांड की मदद से बाकी चीजों को हमें इसमें तराशना होगा, मतलब दीवारों को, दरवाजों को। फिलहाल आप इसको इतना बनाएं, नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे दरवाजे, विंडोज और इसके जो भी ट्रिम के जो कमांड्स है उसको हम इसके अंदर करके देखेंगे। फिलहाल हम इस पे एक लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग करने के लिए जो आपके पास कमांड है वो है टेक्स्ट, और उसमें आपने लिख लिया, ये आप यहाँ लिखते हैं सपोज टू बी, ये एक आपका जो है मास्टर रूम होगा, एक आपका बेडरूम हो जाएगा। तो यहाँ आपने लिख दिया मास्टर रूम, ठीक है, और इसको 12 इंच के ऊपर ही आपने तरवीम दे दिया, ठीक है, उसको ओके कर दिया। ये देखिए मास्टर रूम आ गया। अब इसी के डुप्लीकेट ले लें, कॉपी कमांड यूज करें, कॉपी एंटर सेलेक्ट एंड देन एंटर, किस जगह से आप इसकी कॉपी लेंगे, बेस पॉइंट ये ले लिया, बेस पॉइंट ये ले लिया हमने, एक और बेस पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर इसका एक और ले लेना, ठीक है, एक और दफा कॉपी कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट एंटर, ऑफसेट ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया, यहां ले लिया और यहां ले लिया, ठीक है। अब ये तो हो गया, एक हो गया आपका बेडरूम हो गया, ये हो गया आपका बेडरूम, एक हो गया मास्टर रूम, ये हो गया आपका किचन और ये हो गया आपका गेस्ट रूम, ठीक है, और यहां पर आपका आएगा बाथरूम, और ये आएगा आपका टॉयलेट, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ये आपका लाउंज है, तो यहाँ पे एक कॉपी कमांड ले लेते, कॉपी सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर, और ये ले लिया आपने, ये आ गया हमारा लाउंज, ठीक है, ओके। तो ये देखिए एक सिंपल सा आपका जो प्लॉट था उसको आपने इसमें ड्रॉ कर लिया। अमूमन जो 2D मैप्स होते हैं वो इसी तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, यानी कि घर बनाने से पहले किसी भी प्लॉट को स्केच किया जाता है, मैप बनाया जाता है, वो इसी तरह होता है, और इसी के बाद किसी भी मेजर्स को या मिस्त्री को दिया जाता है, उसको देख के वो मेजरमेंट भी लिख दी जाती है। इसके अंदर भी मैंने मेजरमेंट नहीं लिखी है, मेजरमेंट लिखने के बाद दीवारों की मेजरमेंट भी लिखी जाती है, वॉल्स के अलावा रूम्स की डायमेंशंस भी लिखी जाती है, विड्थ एंड हाइट हर चीज करके उसको दे दी जाती है, और उसको देख के वो आपके घर की नापी। तो अब आप इस तरह का एक किले बनाइए, ये पहला आपका मैप होगा घर के हवाले से, और फिर हम इसको 3, 4, 5 मैप्स में या फिर असाइनमेंट्स के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे और आपसे भी करवा लेंगे, तो आपको क्रिएट करना आ जाएगा और फिर आप अपनी मर्जी से ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है।